तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पहले हम लोग एक एक अंक का इकाई अंक निकालना सीखे थे, अब ऐसा एग्जाम में पूछ देगा तो क्या करेंगे। ठीक है, इसमें भी फंडा सिंपल सा है। जो घात दिया है आपका, इसको 4 के मल्टीपल में करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 7 का पावर 95 लिखा है, तो 95 को हम लोग लिख सकते हैं 92 और प्लस 3 माइनस, यहाँ पे 3 का पावर को हम लोग लिख सकते हैं 56 और प्लस 2। ठीक है, 92 हम इसलिए लिखें क्योंकि हम लोग 92 को लिख सकते हैं 23 गुणे 4। ठीक है, और यहाँ पे 56 को लिख सकते हैं 4 गुणे 14। तो हम लोग जानते हैं कि 4 का घात का मल्टीपल वाला उस इकाई अंक को रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे 3 का पावर 4 है तो 1 आएगा, 7 का पावर 4 है तो 1 आएगा, और 4 के मल्टीपल में जितना भी संख्या होगा उसका इकाई अंक सेम रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 7 का पावर 92 गुणे 7 का पावर 3 आएगा, माइनस में 3 का पावर 56 और गुणे 3 का स्क्वायर आएगा। तो 7 का पावर 92 का तो इकाई अंक आपका हो गया 1, और 7 का पावर 3 का इकाई अंक हम लोग निकालें, 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा। इसके बाद भी इसका इकाई अंक 1 हो गया, और 3 स्क्वायर का करेंगे तो 9 होगा। तो 7 गुणे 7 होगा आपका 49। ठीक है, और 49 गुणे, यहाँ पे 49 है तो केवल हम लोग 9 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 9 गुणे 7 हुआ 63। ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हुआ 9। तो यहाँ पे इकाई अंक से 3 में से 9 कितना घटेगा, 3 में से 9 घटता है नहीं घटता, ये इससे हासिल लगा, आगे वाले अंक से हासिल लगा तो ये हो जाएगा 13, और फिर 13 में से 9 घटेगा, बचेगा 4। 4 इज द राइट आंसर। इकाई अंक दिया है तो हम लोग गुणा नहीं करेंगे, इकाई अंक को लेते लेते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 9 होगा तो आपका आएगा 4। 3 का मतलब हो गया ये सामने वाले अंक से हासिल लगा तो हो जाएगा 13। इसके बाद 13 में से 9 घटा 4। अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब किए बिना जाए नहीं।